गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। हैदर ग्राउंड जीरो पर मैं आपके पीछे तमाम युवाओं को देख पा रही हूँ। युवाओं की जब बात होती है तो युवाओं में एक तरीके की आकांक्षा होती है रोजगार को लेकर, और इन चुनावों की बात कर लें तो बेरोजगारी अपने आप में बड़ा मसला बना रहा। विपक्षियों ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा और सत्ता पक्ष ये दावा करता रहा कि जब हमने जॉब्स दिए हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रखी है। दोनों दलीलों में जनता को, या यूं कहूं कि युवाओं को जो आपके पीछे मुझे अभी नजर आ रहे हैं, उनको कौन सी दलील समझ में आ रही है? देखिए पूजा, अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं खासकर भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से परेशान थे, और कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं नौकरी को लेकर परेशानी थी। मेरे पीछे जो युवा है मैं उनसे जान लेता हूँ, आप वोट डालकर आएंगे, आप किस मुद्दों पर वोट डालकर आएंगे, क्या चाहते हैं, किस तरीके की सरकार चाहते हैं? आप युवा हैं, खास कर भी देखते हैं कि किस तरीके से 5 साल आपने नौकरी फेरी, कहीं क्या क्या करा, किस तरीके से करा, आप पढ़ाई भी करते हैं, तो क्या चाहते हैं, दोबारा योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने? कांग्रेस को दिया है तो अभी लगता है कि आपको कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ पाएगी उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। युवाओं के लिए और क्या समस्या रही है इन 5 साल के अंदर? युवाओं के लिए बेरोजगारी है, और भी अदर मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है हर जगह प्रदेश के अंदर। आप मेरे पीछे एक और युवा है, मैं उनसे मिलवा दूँ, मैं नाम जानना चाहूंगा आपको। बिलाल, युवाओं के लिए 5 साल में क्या परेशानी देखने को मिली, आप किस तरीके से देखते हैं चुनाव अगर हो रहा है तो किन मुद्दों पर आप वोट डालेंगे? आपको लगता है कि साइकिल से विकास आएगा उत्तर प्रदेश में? अखिलेश के टाइम पर आपको क्या सुविधा मिली थी ऐसी? देखिए पूछा, कहीं ना कहीं युवा जो है साफ तौर पर यही कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जैसे अखिलेश की सरकार थी, युवाओं को पढ़ाई के लिए लैपटॉप दिया गया था, कहीं ना कहीं रोजगार बना हुआ था, लेकिन अब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो एक मुद्दा बना हुआ है बीजेपी सरकार के लिए, क्योंकि इन 5 साल के अंदर रोजगार खत्म हुआ है लोगों का, और यही वजह है कि लोगों के पास मेन मुद्दा यही है कि रोजगार अगर होता है सरकार के अंदर, या युवाओं को नौकरियां मिल जाती, या महंगाई ज्यादा ना होती, तो कहीं ना कहीं और दोबारा ये कठिन ना होती इनकी राह बीजेपी की। जी पूजा, ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हैदर, हमारे